टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने एक और जीत में अपना अहम योगदान निभाया है। इस बार उन्होंने अपने क्रिकेट के मैदान पर नहीं बल्कि चुनाव के लिए अपनी पत्नी रिवावा के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। नतीजा रविंद्र जडेजा का ऑलराउंडर प्रदर्शन यहाँ भी काम कर गया और रिवावा ने जामनगर की सीट से जीत दर्ज करने में माहिर रही। रिवावा की जीत के बाद पति देव रविंद्र जडेजा भी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और साथ में ही रविंद्र जडेजा ने BCCI से एक बड़ी मांग कर दी है। जी हाँ दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने BCCI से क्या मांग की है सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपना प्यारा सा लाइक जरूर करें और अगर आप ही रविंद्र जडेजा को टीम इंडिया में लौटना देखना चाहते हैं तो वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बताते चले, रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराकर गुजरात में अपनी सीट कायम बनाई और अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़कर गुजरात की MLA बन गई। लेकिन रिवावा की जीत के असली हकदार रविंद्र जडेजा हैं। उनके रविंद्र जडेजा के पीछे हाथ के साथ काफ़ी मार्जिन से जीत दर्ज की। पहली बार विधायक बनी रिवावा ने अपनी जीत पर कहा, जिन्होंने मुझे उम्मीदवार के रूप में जीत में कामयाब बनाया है, मैं उस सारी जनता का धन्यवाद करती हूँ और साथ में ही अपने पति देव जिनका नाम रविंद्र जडेजा है उनका भी तह दिल से धन्यवाद करती हूँ। उनकी जीत पर सबसे ज़्यादा हाथ रविंद्र जडेजा का बताया गया, उन्होंने बताया है। उन्होंने आगे कहा, ये मेरी जीत नहीं बल्कि आप सभी लोगों की जीत है। अपनी पत्नी के विधायक बनने के बाद रविंद्र जडेजा ने BCCI से फिर से एक टूर की छुट्टी मांग ली है ताकि वे आने वाले समय में अपनी पत्नी का और साथ दे सकें और लोगों से संपर्क बना सकें। साथ में उन्होंने ये संकेत देते हुए कहा है कि उनकी पत्नी आने वाले समय में मंत्री भी बन सकती हैं। उनके इस चुनाव के बारे में अभी वे छुट्टी पर रहना चाहते हैं। तो दोस्तों आपका इस पर क्या कहना चाहिए? रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी जल्द ही करनी चाहिए या नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट।